इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 1 to 9 के डिस्क, बट अगर कभी नंबर बीच में से गिवन हो, सपोज 3 to 102, तो टोटल आउटकम्स फाइंड करने के लिए 102 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 99. इस नंबर में से इसे माइनस कर दिया, इसका मतलब आपने इस नंबर को काउंट नहीं किया. जब आपने इसको माइनस ही कर दिया, इसका मतलब इसे काउंट नहीं किया. ये जो आया है इसमें प्लस 1, इस नंबर का ये एक नंबर है ना, तो 1 प्लस कर दिया, तो टोटल आउटकम्स आ गए 100. ठीक है, 3 से लेके 102 तक नंबर लेने हैं, मतलब 3 भी काउंट होना है, 102 भी काउंट होना है, ये मतलब है इसका. तो 102 माइनस 3 दैट इज 99. 1 क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये तो काउंट कर लिया, लेकिन 1 ये जो 3 है इसको काउंट नहीं करा आपने, तो ये 1 नंबर है, इसलिए 1 है. ये कब होता है ऐसे? जो फ्रॉम का केस है, जब नंबर हो फ्रॉम 3 to 102. अगर नंबर होते बिटवीन, अगर नंबर होता बिटवीन 3 to 102, बिटवीन मतलब 3 भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो कहाँ से लेने हैं? 4 से लेकर 101. अब ये फाइंड करना, तो फ्रॉम बन गया, इसमें से इसे माइनस प्लस 1. ठीक है, बिटवीन को भी फ्रॉम में चेंज करना. अगर आपको बिटवीन वाला केस आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर फ्रॉम में कन्वर्ट नहीं करना. लेकिन जब भी नंबर आएंगे फ्रॉम दिस टू दिस, उसको माइनस करना है, प्लस 1 करना है. इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 1 to 90 नंबर है, तो टोटल नंबर कितने होंगे? आप इसमें भी चेक कर सकते हो, चेक करो. जय आदित्य, कैसे चेक करेंगे कितने नंबर है? अभी जैसे बताए कितना आएगा. प्लस 1 90 हो गए. ठीक है, तो टोटल आउटकम आपके पास आ गई 9. वैसे 1 to 90 तो आपको क्लियरली पता ही है, पर चेक कर सकते हो टोटल आउटकम सर. अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. 1 to 90 में 1 digit नंबर कितने हैं? 9. 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, इसका मतलब 9 नंबर्स आर 1 digit नंबर. तो डबल डिजिट कितने हो जाएंगे? जो सिंगल डिजिट है ना, टोटल 90 में से सिंगल डिजिट नंबर जो 9 है उन्हें माइनस कर दो, दैट विल गिव यू 81 नंबर दैट आर 2 digit नंबर, डबल डिजिट. ठीक है, देखो इधर, फर्स्ट पार्ट इज 2 digit नंबर. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या 1 में से 9/90 माइनस भी लिख सकते हो. बात समझ रहे हो? 90 नंबर्स में 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर 1 डिजिट है, बाकी सारे क्या हैं? 2 डिजिट. तो टोटल नंबर्स में से, मतलब 1 में से 1 क्या है ये पता है आपको? ये 1 क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है ना, ये 1 में से 1 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं. 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट है, उसके बाद 10 से लेके 90 तक सारे 2 डिजिट नंबर. तो ये 9 नंबर को छोड़ दो, कितने बच गए? 81 नंबर हो गए. तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 81/90, या 1 में से माइनस भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, आंसर सेम है. क्लियर है? जरूरी नहीं ये करना है, आप सीधा लिखो 81/90, वो भी चलेगा. कटिंग करके 9/10 दैट इज 0.9. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हिमांशु बोलो सेकंड पार्ट. या तो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर देना है या डेसिमल में कर देना. कोई ये तो फोर्स मत करो कि मैं वहां हूं सीट पर. नंबर डिविजिबल बाय 5 कैसे चेक करेंगे? 1 से लेके 90 में कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा? फर्स्ट नंबर कौन सा होगा?
हाँ जी, वन से लेके 90 में सेकंड पार्ट अभी डिस्कस करते हैं, पहले थर्ड करते हैं। प्रोबेबिलिटी इन नंबर डिविजिबल बाय फाइव। अब इसकी फेवरेबल केसेस आएंगे 5, 10, 15 till 90। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि आप सारे काउंट कर लो। ठीक है, या एक मेथड और भी है, एपी का फॉर्मूला है। ये लास्ट टर्म है, एन इज इक्वल टू 90। ये सीरीज बन गई ना, एपी की सीरीज बन गई ना। कॉमन डिफरेंस चेक करो, 5 5 एपी है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। कॉमन डिफरेंस जब दो किसी भी सीरीज का सेम होता है, a2 - a1 a3 - a2, तो वो जो सीरीज बनती है दैट इज इन ए टू। तो ए टी में है, लास्ट टर्म इज योर 90। ए एन का फॉर्मूला बोलो सहज, फॉर्मूला बोलो ए एन का, ताकि सक्षम वेरी खड़े हो जाओ। बोलो तरुण जी, हमला बोलो। ये बहुत जल्दी भूल गया लगता है, अभी तो टेंथ खत्म भी नहीं हुई तो हमें भूल गया, 2-3 महीने में भूल गया। जैसे नहीं पूछा ना, कैसे बात करते। बोलो हम a plus n minus 1 into b is equal to 90. First term is 5. Number of terms we are getting, that how many terms are there in the sequence? b is a common difference, that is 5. ये 5 यहाँ add हो रहा है, जैसे आपके subtract हो जाएगा, कितना आएगा? 85. n minus 1 is equal to 85 upon 5. कितना आएगा? 17. n कितना आ गया? तो इसमें 18 नंबर्स हैं। जरूरी नहीं ये करना है, और भी और क्या कर सकते हैं, काउंट कर लो 5 10 15 20 25 90 तक काउंट कर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, पहले क्यों नहीं बोला? ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी, इसमें क्योंकि नंबर 1 से स्टार्ट है, डिस्क के ऊपर नंबर ही 1 से है। अगर 0 होता तो ले लेते, अगर उस डिस्क के ऊपर पहला नंबर 0 वाला होता ना, तो आप पहला नंबर यहाँ 0 लेते, मतलब यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 0 आ जाता, मतलब एक नंबर और इंक्रीज हो जाता, क्योंकि डिस्क था ना उस नंबर का, तो यहाँ पे 19 बन जाते हैं। अभी नहीं है, अभी 0 ले नहीं सकते क्योंकि नंबर बॉक्स में है ही 1 से, तो 0 तक कुछ नहीं करना। तो टोटल इसमें ये जो है 18 केसेस बन गए, जो नंबर्स जो हैं किससे डिविजिबल है, 5 से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 18 upon 90। कटिंग करके बोलो, सेकंड पार्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बोलो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 2 9, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 9 1 9। हां जी, 1 से लेके 90 में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब जो किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से आएंगे, 1 4 9 3 5 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
नंबर इज 9/90.
आंसर में लिखना, मैंने पूरी पूरी क्रॉस लगा के वैसे सेंड कर दूंगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख के, प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने लिखा है टू डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5 प्रॉपर लिख के फिर सेंड करना मुझे नोट पर। सेकंड पार्ट का आंसर है 9/90 दैट इज 1/10 और डेसिमल में 0.1। क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज अ डाई शोस 2-6 स्पेसेस शोस द लेटर्स। वैसे डाई के ऊपर नंबर्स होते हैं ना 1-6, इस बार 1-6 की जगह पे अल्फाबेट्स है ए बी सी डी ई ए, ठीक है ये 6 अल्फाबेट्स है। A die is thrown once. What is the probability of letter A? बोलो चांस। A की probability क्या आएगी? बोलो देखो। A is occurring 2 times. 2/6. That is 1/3. Write down. Book का आप क्या करने आ गए थे? मैंने नहीं ना कहा। Probability of A is 2/6, that is 1/3. Probability of B, follow up. Probability of B, 1/6. जब हम स्कूल आएंगे ना, हम पढ़ने के लिए आएंगे। पेरेंट्स यही सोच के भेजते हैं ना, क्या पढ़ रहे हो? उनको क्या पता आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो बुक तो है नहीं, क्या पढ़ रहे हो? वो अपने लिए लाया, आपके लिए नहीं लाया। आप अपने लेकर आओ, कल से लेकर आओ, नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, इसके आगे नीचे दिया हुआ नॉट फॉर एग्जामिनेशन मॉडल इसलिए बना हुआ, स्टार का नीचे लिखा हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, एक रेक्टेंगल गिवन है हुज लेंथ इज 3 एंड ब्रेथ इज 2 एंड इन दिस रेक्टेंगल अ सर्कल इज गिवन हुज डायमीटर इज 1। Suppose you draw up a die at random on a rectangular region. What is the probability that it will land inside the circle or diameter 1? आपने एक die throw की, वो कहता है वो जो die है, वो इसी के अंदर आनी चाहिए, इस circle में। इस circle में आने की उसकी probability लिखो, मतलब इस square region में आ सकती है। यहाँ तक इसका space है। आने को तो वो कहीं भी आ सकती है। Total outcome होगी rectangular region और favorable होगी सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कुलर रीजन लिखते हैं। इस सर्कल का जो एरिया है ये पूरा स्पेस जो है उसके लिए कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है, तो इसका फेवरेबल हो जाएगा दैट इज एरिया ऑफ सर्कल और टोटल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस इज 1/2। Radius is 1/2. Area of circle. Area of circle is equal to pi r square. Area of circle is pi r square. पाई की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं 22/7, वो भी चल जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाय 4 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड दैट इज 3 × 2 दैट इज 6 मीटर। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रही है? सर्कुलर रीजन
probability of circular region. Write down. फॉर्मूला लिख देना प्रोबेबिलिटी का, सर्कुलर रीजन अपॉन टोटल दैट इज पाई बाय 24, ये आ गई प्रोबेबिलिटी आपकी। वैल्यू पुट कर दोगे 22/7 तो कटिंग होके आंसर क्या आ जाएगा, अगर पाई की वैल्यू पुट कर देते हो 22/7 तो आंसर क्या आएगा, 11/84। अगर पाई की वैल्यू पुट कर देते हो ना 22/7 तो कटिंग करके आंसर आ जाएगा 11/ कौन सा, ये नहीं समझ आया। सर्कुलर रीजन का एरिया क्या है, पाई बाय 4। टोटल का एरिया क्या है रेक्टेंगल का, 6, दोनों को डिवाइड कर लिया। फेवरेबल अपॉन टोटल, ये डिनोमिनेटर है, ये भी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, पाई बाय 24 प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर इसकी वैल्यू पुट कर देते हो 22/7 कटिंग कर दो, आंसर इज 11/, ये भी आंसर है, ये भी, हाँ जी हाँ जी, पाई वाला करने। वैसे बताया ऑप्शन में अगर वो गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि पाई ना देखते रहना, हो सकता है पाई में भी गिवन हो तो आप ये वाला भी वहां पे जो पाई वाला होगा वो रॉन्ग दिया होगा, या तो पाई बाय 6 दिया होगा या कुछ ऐसे, या ये दिया होगा तो फिर ये वाला टिक करना अगर वो रॉन्ग है तो। अगर पाई वाला दिया हुआ है तो बोथ वाली ऑप्शन भी हो सकती है, तो देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो। लेवल 16, 17, 21, 24, 32, 34, 43, 44, 2, 23, 35, कितने हैं, 84, 24 कैसे आ रहा है, वो कटिंग करके 11 नीचे 12 7 से 84। क्वेश्चन रीड करो। करो ये क्वेश्चन अपने आप कर ली, टोटल आउटकम्स कितनी है उसको बोलने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट बोलो, 124 कटिंग करके 31/36, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोलो नैना, आप बोलो नेक्स्ट पार्ट, 31/36 आ गया फर्स्ट पार्ट, 124/144 कटिंग करके 31/36 सेकेंड पार्ट, ठीक है, लिख फिर भी कुछ नहीं रहा तू, मैंने कहा लिख कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ आंसर, गलत हैबिट है ये। नेक्स्ट स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल कंप्लीट करो, खुशी नोटबुक सेंड करी थी आपने, रवनीत है 37, आदित्य नोटबुक सेंड की है, आदित्य तो वो है ना जो ऑनलाइन, नहीं उसने नहीं कल फोन आया, 37 रवनीत,
क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है, टू डाइस थ्रो की है, टेबल कंप्लीट करना है। पहले एक मिनट सुन लो, जब डबल डाई थ्रो होती है या तो एक के बाद एक होती है या दोनों साइमल्टेनियसली इकट्ठी होती है, लेकिन जो सैंपल स्पेस है वो सेम बनता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ये क्लियर है? फर्स्ट डाई पे वन आ रहा है, सेकंड पे वन भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, तो ये पॉसिबल केस है। ऐसे ही 2 1 2 6 3 1, ये इकट्ठे नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, 3 6, फर्स्ट डाई पे अगर 4 है तो सेकंड पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। सेम 5, अगर फर्स्ट डाई पे 5 आ रहा है तो सेकंड वाली पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। फर्स्ट पे 6 है तो सेकंड पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। 6 आउटकम्स ये हैं। ऐसे ही 6 लाइंस है तो 6 × 6 क्या हो गया, 36। तो टोटल आउटकम्स जो हो गई वो कितनी हो गई, 36। तो जो आपका टेबल गिवन है उसमें डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो 36 गिवन है, तो वो यही वाला 36 है। अब आपने जो टेबल कंप्लीट करना है उसमें आपको कहता है कि सम ऑफ जो आपने नंबर्स दिए हुए हैं, पहला नंबर है 2 3 4 5 6 7, ये क्या दे रखा है, ये सम ऑफ द डिफरेंट नंबर्स है, जो नंबर्स है इनका सम है, और यहां पे आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब दोनों नंबर्स जो है डाई पर उनका सम जो है 2 होना चाहिए। देखो 1 + 1 2 होता है, तो इन 36 इवेंट में से सिंगल इवेंट ऐसी है जिसका सम 2 बन रहा है, तो 1 ये फर्स्ट इवेंट जो है ना 1 होगी इसके लिए, 1/36, तो टेबल में यहाँ आएगा 1/36। ठीक है, 3 सम 3 बनना चाहिए, 3 कैसे बनेगा ये रहने दो, ये और ये दो इवेंट होगी, 2/, ये एक इवेंट कंसीडर होगी, ये सेकेंड इवेंट। ठीक है, ये दो नंबर नहीं अलग अलग सपोज होंगे, ये एक इवेंट है। ठीक है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट की सिंगल इवेंट है, ये भी इवेंट है सिंगल, तो दो इवेंट होगी जिनका सम 3 आ रहा है, तो 2/36। अब 4 सम कैसे बनेगा, इसका 4 है सम, इसका भी 4 है, और यहाँ पे आएगा 2 2, उसका सम भी 4 है, तो 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा, 3/, अब आप देख रहे हो ये इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे नंबर, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, फिर नेक्स्ट, अब 6 के आने के बाद यहाँ रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, 8 9 10 11 12, मैक्सिमम सम कितना आएगा, मैक्सिमम सम कितना आएगा, 12। बता सकते हो 12 वाली इवेंट कौन सी है, ये 6 6 लास्ट वाली, 6 + 6 12, ये सिंगल इवेंट ऐसी है जिसका सम 12 है, जैसे ये सिंगल इवेंट थी ना जिसका सम 2 था, ऐसे ये भी सिंगल इवेंट है जिसका सम 12 है। ठीक है, अब ये 6 तक आ गया, अब रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप चाहे काउंट कर लो वहां से या ऐसे भी कर सकते हो, नेक्स्ट क्या आएगा, 5, अब ये रिड्यूस होते जाएंगे, 6 आया, 6 के बाद ये वाली सारी रिपीट होंगी, 5 4 3 2, आप चाहे काउंट कर लो। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको एक वैसे बता देती हूँ, 9 सम कैसे बनेगा, 3 6 4 5 5 4 6 3, तो ये 4 इवेंट आ गए। ऐसे 10 सम कब बनेगा, 5 5 4 6 6 4, ठीक है 3 आ गए। ऐसे 7 कैसे बनेगा, 1 6 2 5 3 4 4 3, ठीक है लाइन वाइज चलते जाना है, पहले ऊपर से स्टार्ट करना है यहाँ से, फिर सेकंड लाइन में 2 5, थर्ड लाइन में 3 4, फोर्थ में 4 3, नेक्स्ट में 6 1, नहीं नेक्स्ट में क्या आएगा, 5 2 5 2, इसका सम, और लास्ट में क्या आएगा, 6 1, तो टोटल काउंट कर लेना, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये आपका टेबल फॉर्म हो गया। अब आपने इसमें से आंसर बताना है, कटिंग हो सकती है तो कर दो, आंसर में जब देना होगा तब कर देना, टेबल तो भी ऐसे ही कंप्लीट करोगे, जब आंसर देना है तब कर देना। देखो इसमें क्या आंसर देना है आपने, पहले तो टेबल को कंप्लीट करना था कर लिया, सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, देखो रीड कर लो पहले,
स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है? 36. लेकिन एक स्टूडेंट कहता है इस इवेंट्स को देखकर कि ये 11 इवेंट्स हैं. ये 11 नहीं है, ये क्या है? सम ऑफ द इवेंट, जितनी भी इवेंट्स थी ना, ये उनकी दो दो का कॉम्बिनेशन करके सम बनाया है. ठीक है, तो वो कहता है ये, वो इनको काउंट करके कहता है यहाँ पे 11 पॉसिबल इवेंट्स है, इवेंट है. क्या ये ट्रू है जो वो कह रहा है? नहीं होना है. टोटल आउटकम्स कितनी है? 36. तो जो वो जो भी वो कह रहा है वो रॉन्ग है, क्योंकि टोटल आउटकम्स रॉन्ग है इसलिए. ठीक है, सच दैट ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11. कहता है इनमें से हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आपके सामने है. 2 सम की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36. सम 3 बनाने की प्रोबेबिलिटी 2/36. तो जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36. ठीक है, ऐसे ट्रू फॉल्स वाला भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स करना, जैसे दी होगी स्टेटमेंट उसमें ट्रू या फॉल्स बताना. ऐसे क्वेश्चन ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसमें भी दिए होते हैं, रीड करने हो तो वहां देख सकते हो आप. अभी तक तो नहीं, एक ही आएगा अभी तक. वैसे कुछ कहा नहीं है, वैसे अभी तक तो एक ही आना है, आएगा. नेक्स्ट में हो सकता है, जब अभी होंगे ना दिसंबर में या नवंबर में, उसमें हो सकता है सेपरेट आए. अभी तक तो कोई सीन नहीं है, बाकी जो होगा बता देंगे आपको टाइम में. क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 23. ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 times. एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है. जब किसी कॉइन को 1 बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं? 2, हेड या टेल. एक कॉइन को जब 2 बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स आती हैं 4, HH, HT, TH, TT. और जब 3 बार टॉस करते हैं 8 आती हैं. तभी तो कहते हैं, ये देखो इधर फॉर्मूला बता सकते हो जनरल फॉर्म में? 2^n. ठीक है, ऐसी डाइस वाले केस में 6^n होता है. ठीक है, जैसे ये देखो इधर, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आया, तो 2 आउटकम्स आ रही है 1 कॉइन के केस में. एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल 4 आया. जब 3 बार टॉस किया, एच एच एच, एच एच टी, इसको मिडल में ले आओ, एच टी एच, टी एच एच, उसके बाद टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और ट्रिपल टी. ठीक है, ये होगी 8 आउटकम. ठीक है, ये 8 है, ये बन गया 2^1, ये बन गया 2^2, ये बन गया 2^3. ऐसे ही जब n कॉइन टॉस होंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2^n. 5 कॉइन्स होंगे तो 2^5, 6 होंगे तो 2^6, टोटल आउटकम. ऐसे यहाँ पे n के केस में 2^n आ जाएगा. अब आपका ये क्वेश्चन है कि एक कॉइन है 1 रुपी, उसे 3 बार टॉस किया तो टोटल आउटकम्स ही आ गए. राइट डाउन टोटल आउटकम्स 8, टोटल आउटकम्स 8. ये सैंपल स्पेस है, ये नोट कर लो, ये सैंपल स्पेस है. या आपसे कोई कहे लिस्ट द आउटकम, लिस्ट द आउटकम मतलब क्या क्या केसेस है, तो ये आएंगे उस केस में. नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं कहा, लिस्ट द आउटकम्स मतलब कौन कौन सी आउटकम्स आ सकती हैं, तो ये आप सारे लिखो. ठीक है, टोटल आउटकम्स लिख ली 8, ये सैंपल स्पेस. अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है. अब आपको कहता है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. इसमें सेम रिजल्ट वाला कौन सा है? टी 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 और एच एच. कहते हैं जब सेम चीजें आएंगी उस कॉइन पे तो वो गेम विन करेगा, अदरवाइज लूज करेगा. इसका मतलब जब डिफरेंट आएंगी तो गेम लूज हो जाएगी इससे. इसका मतलब उसकी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/8. और विनिंग की? 2/8. विन कब करेगा? जब सेम आएगा 2/8. और गेम लूज कब होगी? जब बाकी कोई भी ये 6 इवेंट्स आ जाएंगे, तो 6/8. ठीक है, राइट डाउन प्रोबेबिलिटी विनिंग द गेम. हम दोनों ही लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी विनिंग द गेम इज इक्वल टू 2/8, 2/8 दैट इज 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम
सिक्स बाय एट दैट इज थ्री बाय टू, लिख लिया सबने। विनिंग की प्रोबेबिलिटी है टू बाय एट दैट इज वन बाय फोर, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है सिक्स बाय एट दैट इज थ्री बाय फोर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, सहज टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस कब होती है? एक डाई को दो बार थ्रो किया, ट्वाइस कॉइन में होता है वो दांत अंदर का, तेरा भी यही हाल ही होता है कभी कभी। अच्छा बोलो मिस्टी। 36, सिक्स स्क्वायर बन गया। अगर जब एक डाई थ्रो करते हो तो सिक्स रेस टू पावर वन सिक्स आउटकम्स होती हैं, जब टू डाई थ्रो करते हो तो सिक्स इंटू सिक्स 36, अभी लिखा था ना यहाँ पे बड़ा सा सैंपल पे वन 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 टू वाला, वो आएगा। टू आप बोल रहे थे बच्चे, टू रेस टू पावर एन बोला था आपने, और वो कॉइन का है ना कि डाई का, ठीक है। चलो बैठो, लिखो, राइट डाउन टोटल आउटकम 36, अगर एन डाई थ्रो की जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल आउटकम्स का? सिक्स रेस टू पावर एन, ठीक है। जैसे इसमें दो बार डाई थ्रो की है तो सिक्स स्क्वायर है ना 36, थ्री करोगे तो सिक्स क्यूब दैट इज 216, ऐसे ही जब एन थ्रो करोगे तो सिक्स रेस टू पावर एन आएगा टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम्स लिख ली 36, सैंपल स्पेस में आपको पता ही है 36 इवेंट्स है, वो हर बार नहीं लिखते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाता है केस। प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप, देखो इधर, जब आप यहाँ पे 1 से लेके ये 1 टू 6 लिखते हो, 2 1 से लेके 2 6 लिख रहे हो, ऐसे ही आपको कहते हैं इसमें 5 नहीं चाहिए आपको। पहले देखो 5 वाला केस है कौन सा, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, एक ये वाली लाइन भी तो है 5 वाली, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल हो गई 11। इसका मतलब 11 आउटकम्स ऐसी है जिसमें 5 आ रहा है, अकेला 5 कौन सा? 5 विल कम अप ईदर टाइम, ईदर मतलब कम से कम एक पे या दोनों पे, एक पे मतलब दोनों में से, ये दो डाइस का केस है ना, ये इसमें दो है, पहली पे 1 है दूसरे पे 5 है, इसमें पहली पे 2 है दूसरे पे 5 है, मतलब इसमें 5 एक बार आ रहा है, इसमें भी, इन सब में भी 5 एक बार आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक इवेंट ये ऐसी है जिसमें दोनों बार 5 आ रहा है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि एक बार भी 5 नहीं चाहिए हमें, मतलब ये चाहिए ही नहीं, ये 11 इवेंट ऐसी है जो नहीं चाहिए। इसका मतलब चाहिए क्या, जो बाकी नंबर्स है टोटल है कितने 36, 36 में से 11 माइनस कर दो, 25 अपॉन 36 हो गई, जिसमें 5 नहीं आ रहा, ठीक है। और जिसमें 5 आ रहा है वो कौन सी है? प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप, पहले है विल नॉट कम अप में आएगा 25 बाय 36, और सेकंड वाली में 5 विल कम अप 11 बाय 36, ठीक है। 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 11 बाय 36 और ना आने की प्रोबेबिलिटी 25 बाय 36, कटिंग नहीं होती इसलिए ऐसी छोड़ देना।